ये रिकॉर्डिंग करने का कुछ बुनियादी मकसद नहीं है। वीडियो सीरीज एक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और मैंने फेसबुक पे जनरली अमेजोन से रिलेटेड इतनी बात नहीं की, क्योंकि कुछ चीजें मैं एक्सप्लोर कर रहा था, लर्न कर रहा था, और कुछ चीजें और भी थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। तो मैंने कब अमेजोन के भी काफी लोग डिमांड करें कि वीडियो बनाए, वीडियो बनाए, स्पेशली बीबीसी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बीबीसी एक्सपर्ट नहीं कहता अपने आप को, हाँ, लेकिन जो मैं चीजें सीखूंगा वो मैं शेयर करूंगा लाजमी बीबीसी से रिलेटेड, वो उसकी मैं पूरी प्लान करके आऊंगा। अभी के लिए क्या, अभी के लिए मैं आपको एक एज अ वैल्यू एडिशन एक चीज दे रहा हूँ, मेरी अपनी एजेंसी के लिए जो मैंने पूरे प्रोडक्ट सोर्सिंग A to Z स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक जो SOPs क्रिएट किए हैं विद ऑल द वीडियोस, वीडियो गाइडलाइंस और साथ में डॉक्यूमेंटेशन, साथ में टेम्पलेट्स, साथ में वीडियोस, गाइडलाइन वीडियोस, एवरीथिंग मैं आपके साथ फ्री में शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में क्या, पाकिस्तान में कोई भी एक एजेंसी ओनर आके अपनी एजेंसी का SOP शेयर करके दिखा दे, मैं मान कोई भी नहीं शेयर करेगा आपके साथ, ठीक है? क्योंकि वो आपको अपना कंपटीशन मानते हैं, वो आपके सगे हैं ही नहीं, ठीक है? वो उनका ये होता है कि अगर उन्होंने आपको गलती से कोई एक टिप दे दी, चाहे वो आपको फ्री कंसल्टेशन दें या 1 to 1 कंसल्टेशन की लालच भी करा रहे हैं, उस 1 to 1 कंसल्टेशन में आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है? वो आपको सरफेस लेवल का ही नॉलेज देंगे, क्योंकि उनको उनको पता है अगर गलती से भी मैंने इसको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी, इसको कहीं गलती से इसको मजीद अच्छा करके आगे ना बढ़ दे। तो मेरा ये सोच नहीं है, मेरी ये नीयत है कि यार अगले बंदों को जितना बांट सकते हैं बांटो, और उसके बाद आपके अंदर खुद भी आएगा कि यार हाँ मैं अब और कंपेटिटिव हूँगा, तो आप खुद नई चीजें सीखोगे। और सेकंडली, आप ये नियत ही ना रखो, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही रास्ते खोले। तो मैं भी आप लोगों के साथ डिटेल्ड SOP शेयर करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग के A to Z, प्रोडक्ट देखनी कहाँ से, इवन आउट ऑफ चाइना किस तरह सोर्स करनी है, जो बेसिक चीज होती है ना, हम बेसिक सरफेस लेवल चीजें नहीं देखें, हम उसको एडवांस लेवल पे अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रोफेशनली किस तरह किया जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज पे स्ट्रक भी होते हैं और अपनी लॉन्चेस पर आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप बहुत ज्यादा अंडर रेट किया जा रहा है। पीपीसी की एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट कर दी है, ठीक है, वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन जो आप पहले कोर चीजें हैं, जो आपकी प्री लॉन्च चीजें हैं, उन पर आप फोकस नहीं कर रहे, और पोस्ट लॉन्च पे आप पहले फिक्र में पड़ी हो, तो आपके लिए ये चीज नुकसानदेह होगी। आप जितनी मर्जी पीपीसी अच्छी चला लो, लेकिन आपकी सोर्सिंग स्ट्रांग नहीं है, आपकी ऑफरिंग स्ट्रांग नहीं है, आपकी रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, आप वैल्यू नहीं दे रहे प्रोडक्ट में, कोई फायदा नहीं। आप पीपीसी स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी पाकिस्तान के एक्सपर्ट से चलवा लो, कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो अभी ये पूरा मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू दे देता हूँ, देन इसके बाद जो भी वीडियोज है ना, मैं उसकी तरतीब बताता हूँ मैं अपलोड किस तरह करूँ। तो ये देखें, ये स्टेप 1 में मैंने बता दिया कि हम कुछ बेसिक वीडियोज देखेंगे, जो मैंने वीडियोज यहाँ पे ओपन भी की हुई है। जैसे मैंने ये बेसिक वीडियोस आपको बताई हैं कि यार बजाय कि मैं आपको बिल्कुल एक ही चीज बताऊँ, अमेजोन सोर्सिंग होती क्या है, कहाँ से करते हैं, मैंने आपको कुछ वीडियोस बता दी कि अच्छा ये वीडियोस हैं, इनको आप पहले देखो, अंडरस्टैंड कर लो कि इससे होती क्या है, कुछ चीजें आपको एडिशनल टिप्स मिल जाए, इनके नोट्स बना लो। सबसे पहली चीज आपने करनी है, जितने भी सेशन है ना, इनकी मैंने लिंक दी हुई है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं इन वीडियोज का लिंक शेयर कर दूंगा। ये मस्ट वॉच वाली, ये मस्ट वॉच आपने लाजमी करनी है, ठीक है? देन आपने कुछ दो यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको बताई हैं जो स्पेसिफिकली बहुत डिटेल्ड फोकस है अमेजोन प्रोडक्ट्स, उसके फ्री में आप यहाँ से बहुत एडवांस चीजें सीख सकते हो। इसके अलावा टिम जॉर्डन जो है एमपीएम वाला, उसकी ना चैनल पे एक और एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता दूँ, प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है? इसकी वीडियो सर्च करें आप यूट्यूब पे, अमेजोन प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वो उसकी दो तीन सेशंस हैं, वो आप लाजमी देखो, क्योंकि चाइना पे आप रहोगे ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि चीजों को एक्सप्लोर करो, लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं, लोग इंडिया से कर रहे हैं, लोग मैक्सिको से कर रहे हैं, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये एक ये सेशन भी है ऑरेंज किल वालों का, और इसी बंदी का ना सेशन है टिम जॉर्डन के साथ भी, ठीक है? अब वो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आप सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया की इसकी जो ये इसके सेशन है लाजमी देखें, और इसके सेशन उसके साथ भी था, तो वो भी मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा। इस बंदे के साथ भी इसका सेशन है, प्राइवेट लेबल लीजन के चैनल में आप आएंगे ना, तो इसमें सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया वाली वीडियोस हैं उसकी, 3 4 सेशंस हैं उसके, अच्छा, ठीक है? तो इधर हम देख लेते हैं, ये वाली भी है, इसके अलावा भी इससे पहले भी इसके साथ की थी एक सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया की वीडियो, तो वो आप लास्ट में एक्सप्लोर करें। तो ये वीडियोस आप पहले देख लो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाए। मैं आपको ABC नहीं पढ़ाने आया यहाँ पे, ठीक है? और देन हम आपको पूरा बताऊंगा कि प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस किस तरह करना है डिटेल में, और उसकी मैंने SOP वीडियो शेयर की जाएगी, और पूरा टेम्पलेट शेयर किया जाएगा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप 2 में क्या है, प्री रिक्विजिट्स हम देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, हम एक एक करके बात करेंगे जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है। स्टेप 3 में हम देखेंगे कि किस तरह आपने वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स रिसर्च करने हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अलीबाबा, कि जिस आपकी जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जो रॉ मटेरियल, उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, ना कि डायरेक्ट अलीबाबा पे चढ़ जाना है। देन 1688 और मेड इन चाइना, अगेन मैंने इसकी डायरेक्ट वीडियो शेयर कर दी, इंस्टेड ऑफ मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ, आप इसकी यहाँ से जाकर सीख लो, मैं आपको शेयर कर दूँ।
देन सप्लायर को शॉर्टलिस्ट किस तरह करना है, किस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट करना है, किस तरह करना है, उसका रिकॉर्ड किस तरह रखना है, डाटा किस तरह रखना है, उनको कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, उसका टेम्पलेट RFQ का टेम्पलेट जो वर्किंग है, मेरे लिए वर्क किया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है अपना। देन कोटेशन जो है उनकी कोटेशन आपको मिली, उसका कंपैरिजन किस तरह करना है, पूरा रिकॉर्ड किस तरह रखना है, हर चीज के अंदर मेंशन है विद टेम्पलेट। देन कोटेशन, ये निगोशिएशन टिप्स की डिटेल वीडियोस हैं ये, अगर आपने ये चीजें, ये वीडियोस आपने देख ली, आप यकीन माने आप निगोशिएशन स्किल्स आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आप ना सिर्फ सोर्सिंग में क्या, आप रियल लाइफ में भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये भी मैंने आपके लिए एडिशनल चीज डाली है कि सोर्सिंग करने से आपके जो निगोशिएशन स्किल्स है, सेल्स स्किल्स है, आपके बहुत आपको बेनिफिट करेंगे। अच्छा, आइदर आप फ्रीलांसर हो, आप रियल लाइफ में अप्लाई करो, जहां भी अप्लाई करो, ठीक है। देन हम आ जाएंगे स्टेप फाइव पे। स्टेप फाइव पे हम देखेंगे कि आपने मल्टीपल सैंपल्स को एक एज अ सिंगल सैंपल कंसोलिडेशन कंपनी से किस तरह ऑर्डर करना है। इस पे किसी ने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई, तो इस पे मैंने आपको पूरा तरीका और पूरा प्रोसेस शेयर कर दिया, कहाँ से ढूंढना है, किस तरह मंगवानी है, क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एवरीथिंग मेंशन कर दिया इसमें। इसी तरह आप उस सैंपल को इवेल्युएट किस तरह करना है, किन पॉइंट्स पे इवेल्युएट करना है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एक वीडियो एसओपी में, और साथ मैंने कुछ एक वीडियो भी शेयर कर दिया। देन ये बहुत स्पेशल चीज है, ये फनल है जो 7 फिगर 8 फिगर सेलर्स यूज करते हैं। थैंक यू कार्ड में स्पेसिफिकली एक फनल क्रिएट किया जाता है, क्यूआर कोड बेस्ड, हम बंदा स्कैन करेगा क्यूआर कोड, उसको आप कोई चीज दोगे, वेबसाइट पे जाके डाटा एंटर करेगा, देन वहां से अमेजोन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा। इस पर डिटेल में बात करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज है ये। देन लेबल्स, कार्टन लेबल्स, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो अमेजोन से कार्टन लेबल्स किस तरह प्रिंट करते हैं, ये आप प्रिंट कर लो, ठीक है। देन ऑब्वियसली इन्वेंट्री इंस्पेक्शन, ये बात, इस पे कुछ चीजें बताने की जरूरत थी वो मैंने बता दी है इसमें। देन फाइनलाइजिंग योर फ्रेट फॉरवर्डर्स, और उनसे रेट किस तरह लेने हैं, किस क्राइटेरिया पे लेने हैं, उसमें पूरा मैंने एवरीथिंग बता दिया। शिपमेंट अरेंज कराना है अमेजोन के वेयर हाउस तक, शुरू से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट आपकी पहुंच गई, इस सारी चीजें ए टू जेड इसके अंदर कवर्ड है। इंशाल्लाह इस पे मैं एक एक करके वीडियोस डालूंगा, मैं एक ही दफा शेड्यूल अनाउंस कर दूंगा कि पूरे वीक में ये वीडियोस अभी आएंगी, लाइक स्टेप फोर तक या स्टेप फाइव तक मैं कोशिश करूंगा एक वीक में वीडियोस आ जाए, या मैक्सिमम स्टेप फोर तक आ जाए, फिर नेक्स्ट वीक में ये स्टेप 5 6 7 8 10 तक कंप्लीट हो जाएंगी। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल पे शायद मैं ना लगाऊंगा ये वीडियो, फेसबुक प्रोफाइल पे लगाऊंगा, इसके अलावा जितनी भी वीडियोस आएंगी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।